पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आबकारी और सिविल पुलिस ने अब सिहारा क्षेत्र में छापेमारी के दौरान गोवा मार्का शराब के 479 पौओं के साथ एक युवक को हिरासत में ले लिया है। दरअसल फैजुलपुर निवासी दयाराम नामक इस शख्स को पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब ये शख्स इस अवैध शराब को खेत में दबा रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब तस्कर को दबोच लिया और शराब का जखीरा भी अपने कब्जे में ले लिया है। इसके मना न करें, अगर तुम बीच में खड़ा ईमानदार से बता रही है। मघुपुर की सूचना पर पकड़ी गई थी और मघुपुरा के खेत में इसको जो है ये दबा रहा था। ये दयारामपुर हरकेश जो ग्राम फैजुल्लापुर का रहने वाला है, ये शराब जो है चंडीगढ़ में बनाई गई थी और अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए जो है अनुमन्य थी। इसमें 479 कौवे हैं और ये तस्करी करके लाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर बेच करके इसको राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। और कौन कौन था आपके साथ, कौन सा विभाग था आपके अलावा? हमारे साथ जो है सिवहारा पुलिस थी, जिसमें SI श्री कमलेश कुमार और मैं हमराहियान की हमने इस पर जो है छापा डाला था। अच्छा, उसको जेल भेज दिया गया? हाँ, जेल जो है भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कितने आदमी थे सर? जो है अकेला था, अकेला था और ये खेत में दबाने की कोशिश कर रहा था इसे। अकेला ही करता काम है और भी इसका कोई साथी है? नहीं, ये तो पूछताछ में यह स्पष्ट होगा, अभी इससे पूछताछ जारी है।